थोड़ा सा आजकल फैशन में तो वो डिजाइन करने की इतना ही एक्साइटमेंट है जितना पहले साल में था. पहले साल में जितने एंथुसियाज्म के साथ आए थे, तीसरा साल है, बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत सारे लोग नॉमिनेटेड हैं, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. हाँ, शो के हिसाब से तो बहुत दिन बाद मिलने वाले हैं, तो हम सब मिल कर शेयर करने आए हैं. मतलब वो दोनों अपने परिवार के कुछ सदस्य के साथ क्या कहेंगे? हाँ, मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड मेरे बच्चे आर्यमान जी मेरे साथ हैं, और मुझे कहा कि डैडी आप अकेले जाओगे नहीं, वरना आपको जाने नहीं देंगे. मुझे आना था क्योंकि आई थैंक रियली स्टाफ प्लस स्टाफ परिवार और नॉमिनेटिंग मी नया सदस्य. नया तो एग्जैक्टली नहीं हूँ, क्योंकि नया हूँ भी, 11 साल बाद फिर से स्टाफ प्लस पे आ रहा हूँ. और 11 साल पहले मेरा एक शो था निकला और चांदगढ़ भी मैं आया था स्टार परिवार अवार्ड्स में. 11 साल बाद आ रहा हूँ. इट फील्स गुड, फैंटास्टिक टू बी बैक ऑन स्टाफ परिवार एंड स्टाफ प्लस एंड लुकिंग द स्टाफ प्लस टीम. वेरी वेरी क्रिएटिव पीपल एंड make good shows. I'm very happy to be back on Star Plus. किरदार एक्चुअली वो कुछ और है, कोई और. एक्चुअली मैं ये हूँ धर्म सूर्यवंशी. मैंने रोल इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि उसका लुक ही अलग है. सबसे पहले वो लुक, जो कभी भी एक्टर जब स्क्रीन पे आता है तो पहले आप देखते हो, अगर वो मूवी खोले उसके पहले उसका लुक होता है. तो लुक वॉज वेरी डिफरेंट. धोती और कुर्ता और कान में माली, गले में लॉकेट और पूछ पूछ लगा के थोड़ा नेगेटिव रोल था. फिर हार्ड कोर नेगेटिव हुआ, फिर रोमांटिक हुआ, फिर एकदम प्यार में पागल हो गया. एक बहुत ही रेंज है. मतलब आई थिंक 6 साल के साथिया के एक सफ़र में एक धर्म सूर्यवंशी का जो कैरेक्टर है वो इज द मोस्ट कलरफुल. और मेरा जो ग्राफ है रोल बहुत ही ज़बरदस्त ग्राफ है. पूरा राउंड सर्कल है मेरे कैरेक्टर के ग्राफ का. आई थिंक नेगेटिव से एकदम पॉजिटिव रोमांटिक. आई थिंक इज फैंटास्टिक रोल, वंस इन लाइफ टाइम रोल फॉर मी, और करने में बहुत मज़ा आ रहा है. वेरी गुड. आई थिंक गोपी और तानिया और आई थिंक दे आर वेरी गुड डांसर्स. मेरा बेटा जो श्रवण है वो भी होस्ट कर रहा है कोर्स. आई थिंक इट्स फैंटास्टिक टू सी देम हाउ दे डू दिस काइंड ऑफ अ जॉब. सो इट्स नाइस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द अवार्ड्स. मेरे दो बच्चे हैं, लाइक माय टू आईज, यू नो, आई लव बोथ क्लोज बाय. दे आर माय लाइफ, दे आर माय एवरीथिंग टू मी. आई एम क्लोज टू देम एंड देन माय वाइफ, शी कम्स नेक्स्ट. यस, देन दैट गोज एवरीथिंग. थैंक यू. हेलो, कैसा स्टार परिवार. हाँ, हम इस परिवार से जुड़े हैं और दुनिया भर में लोग स्टार को देखते हैं और इतना सारा प्यार देते हैं कि आज आई एम श्योर जितने भी परफॉर्मर्स हैं एकदम रेडी होंगे रिहर्सल्स के साथ. तो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू नाइट, मज़ा आएगा. मैम मतलब यार, मतलब ऑब्वियसली इस येलो में हम मतलब पूरा रंग गए हैं पूरी तरह से. इस रंग में व्हाट शुड आई से, बहुत सुंदर है. एंड मैं इनके साथ खड़ा हूँ ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है इस टाइम. नहीं बट इस परिवार का हिस्सा बना हूँ मैं पहली बार मानसी, तो ऑब्वियसली पहले कर चुकी हैं बहुत कुछ. सो ये दिस इज रियली अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड दिस इज रियली ग्रेट. इट फील्स गुड.
टू बी नॉमिनेटेड एंड कम हियर। ओके, कितना मिस बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई थिंक इट बहुत ही स्पेशल शो था और बहुत ही स्पेशल तरीके से शूट किया गया था, बहुत स्पेशल तरीके से क्रिएट किया गया था ये शो। सो वी रियली मिस इट एंड वी वर्क सो हार्ड फॉर इट फॉर 11 मंथ्स एंड वी वर लाइक 75 एपिसोड्स डाउन व्हेन इट केम ऑन एयर एंड वी स्टिल गेट द लव फ्रॉम द पीपल हु वॉच्ड इट, यू नो, पीपल स्टिल ट्वीट अस सेइंग क्यों, कैसे, कब वापस आएगा, फेसबुक मैसेजेस आते हैं लोगों के, वी मेट पीपल आउटसाइड आल्सो एंड पीपल कीप सेइंग व्हेन इज इट कमिंग बैक। So I think as creators and as artists, that's a very good wicket to be on. Yeah. And we just hope that it comes back and we come back to entertain you. Season 2. Okay, under काफी सारे performances and nominations, सब कुछ awards हैं. So कितना excitement है अंदर जाके, क्या कितना धमाल हो रहा है? अंदर जाके तो पहले हम सतीश जी को मिलेंगे. So we are very excited to meet सतीश जी, सतीश कौशिक जी. And yeah, the whole team is going to be there. Yeah, so that is going to be good. I think the excitement for us is also that because the show is not on air right now and we'll be meeting the whole team, I think. We'll be meeting the producers and we'll be meeting the creators from the channel as well. Yeah. So I think that is, to get in touch with that family of yours is, I think, is more exciting. I'm close to my mom. Absolutely. I would also say the same thing. I'm very close to my mom. In fact, yeah. हम लोग ये कहना चाहेंगे कि आप लकीली वी हैव हॉट स्टार राइट नाउ, सो सुमित समालेगा के जो भी जितने भी एपिसोड्स हैं वो आप उसके रीरन्स चल सकते हैं आपके लिए, लेकिन इंशाल्लाह कीप वांटिंग अस मोर, तो हम विल जस्ट कम बैक विद अ बैंग, इफ यू प्रे रियली हार्ड वी विल कम बैक। या थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई थिंक वी शुड टेक अ पिक्चर। एक्साइटमेंट तो बहुत सारी है क्योंकि आप सबको देख रहा हूँ मैं, सबसे ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि आप सब हमको कवर करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं, जिसकी वजह से हम स्टार बनते हैं और ये स्टार परिवार अवार्ड्स होता है। जैसे कि नाम है परिवार, तो व्यूअर्स के साथ भी हमारा एक पारिवारिक संबंध हो जाता है कि रेगुलरली स्टार प्लस देखते रहते हैं और सारे शोज़ को इतने पसंद करते हैं और अभी हॉटस्टार भी देखने लगे हैं, तो यही मेरा उनसे कहना है कि हमारे शोज़ देखते रहें और हमें इस तरह से प्रोत्साहित और प्यार देते रहें। वेस्टर्न लुक है क्योंकि परिवार अवार्ड है तो कुछ नया होना चाहिए, तो संध्या बीनिनी ने हमारे को तैयार किया है और साथ में हमारी मुस्टंडी ना आरजू बीनिनी ने भी तैयार किया है। थोड़े बाल इधर उधर बिखर रहे हैं, नो माइंड, मीना बीनिनी ने थोड़ी अंग्रेजी सिखा दी है, कोई बात नहीं। देखो बढ़िया है, पल्लू संभल को नहीं रहा है, अब बाबा साहब देखेंगे, मतलब सूरज के बाबा साहब, तो वो घायल ही हो जाएंगे। हाँ, देख लो बढ़िया है एकदम, पल्लू को नहीं संभल रहा है, हेयर भी पहन ली, ये देखो ये भी आ गए, मैंने सोची मेरी पल्लू को देख करके चीख निकल गई लोगों की। हाँ, वो कन्फ्यूजन तो होता ही रहता है, चलता है जिंदगी में, बट मैं परिवार अवार्ड में आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत 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 बोलते हैं ना, इंतज़ार रहता है कि कब ये परिवार अवार्ड आए और सब परिवार से मिलना हो, मिलने का मौका मिले, तो इसलिए सज धज कर आए हैं और खूब मजाक करेंगे। परिवार में सबसे पुराने सदस्य है तो आशीर्वाद देंगे और मौज मस्ती भी करेंगे, थोड़ी सी छूट मिल जाती है ना, क्योंकि जब नए नए रहते हैं तो थोड़ी सी शर्म रहती है, थोड़ी झिझक रहती है, अब तो पुराने हो गए तो अब तो डांस पार्टी नहीं, अवार्ड में आए हैं ऐसे ही रहेंगे,
चलती हूँ। अरे हमारा राम जी Gracias.